कंट्री की बात अलग होती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की बाहर ही अलग होती है। यहाँ पर भी सभी को कलाकार का बहुत शौक रहता है कि वो मेहनत कर पाते हैं, लेकिन कुछ किस्मत का भी खेल है। सबले पहले संगवारी मल्ला दर्शक मल्ला मोर श्रेय पार करके राम राम जय जोहार है। आज मल्ला बहुत खुशी होते हमारे फिल्म लगे मांग सजा दे सजना 1 मार्च के जोन यहाँ हाउस फुल है राजनांदगांव में, टिकट मिलना मुश्किल है। तो मोला लगत कि दर्शक मल्ला भी बहुत पसंद आते फिल्म हाँ, कहानी तो बहुत ज़बरदस्त है। देखन दर्शक मन के इसने मया दुलार आगे कब तक मिलते दर्शक मन का संदेश रही आप मन के ताकि इस तक पहुँचे पर क्या कि छत्तीसगढ़ में दिक्कतें हैं कि थिएटर नहीं है ज़्यादा, जिला मुख्यालय में ही थिएटर मिलते हैं, ब्लॉक मुख्यालय में नहीं मिलते। ब्लॉक मुख्यालय कई जगह से 50 किलोमीटर तो कई जगह से 100 किलोमीटर दूर है, तो उधर पर का सोचे और दर्शक ला यहाँ तक खींचे पर का है दिमाग में? दर्शक मन तो आजकल सब एक्टिव रहते इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप में, तो धीरे धीरे ओकर मन तक पहुँच ही जाते संदेश है। लेकिन फिर भी हमर मन के प्रचार प्रसार के माध्यम से हमन कोशिश करते हैं कि गांव के हर कोना हर क्षेत्र हर जिला में हमर मन के प्रचार के संदेश पहुँचे, और नहीं पहुँचे हुई तो आप मन के थ्रू जरूर पहुँचे। हाँ बिल्कुल, अभी मोर गाने ही चला थे बाजे। और हमर होली सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, उम्मीद है होली माँ रंग लगा रंग लाई। होली सॉन्ग के बोल है ए दे लाली गुलाबी हरियर प्योरा रंगहा बरसे रे होली रंग के हावे तिहार, ए दे लाली गुलाबी हरियर प्योरा रंगहा बरसे रे होली रंग के हावे तिहार। और हमार निर्माता राजेश मारू जी है उनका आशीर्वाद से राजनांदगांव में हमार फिल्म सुपर डुपर हिट है, और आगे दर्शक मन से विनती है निवेदन है आप मन सब परिवार आओ और अपन दुलौरिन बेटी सेया पारकर ला अपन आशीर्वाद और माया दुलार दो। आपके नाम? मोर नाम सेया पारकर है और मोला दर्शक मन के माया दुलार मिली शैला बाबू आही परदेसी बाबू आही सॉन्ग में, और मैं क्या कर रहा हूँ जैसे अनगिनत सॉन्ग है जो दर्शक मन के मया दुलार मिला मिले मिले मोला मांग सजा दे सजना में हमारे निर्देशक जी है रोहित चंदेल ओकर थ्रू मोला काम करे के मौका मिली से जे के लिए मैं सदैव आभारी हूँ, और माँ पताल भैरवी और दर्शक मन के आशीर्वाद बने रहे। बड़ खुशी की बात है कि हमार फिल्म लगे है मांग सजे सजना अभी नांदगांव में है प्रीमियर, तो ओकर बाद अभी भिलाई भी जाबो हर जगह पे, तो बहुत सुंदर फिल्म बने हैं। बाकी का है दर्शक मन जब आई तो वो बता सकते हैं कैसे कहा नहीं है करके। फिल्म में तो कहा है हाँ मैं बता देता हूँ उसे, मोर फिल्म के में जो डायलॉग है शेर जंगल में रहे या पिंजड़ा में, बुढ़वा रहे या जवान, ओला कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जोन दिन झपट्टा मारू ना तोला तोर साथ पुरखा नहीं बचा पाई, समझे नहीं हो पाए हैं। मैं उनके स्थान पर उनके सुपुत्र भूपेंद्र सिंह ठाकुर को आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ, और महाविद्यालय के प्राचार्य श्री मोलेश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के
मुझे ईस्ट में जो करेक्टर है मेरा सेकंड रोल में नहीं है, वो आप मान सकते हैं आप पैरेलल लीड में है, क्योंकि बाप बेटे की कहानी है तो बाप अजीत शर्मा जी बने हैं और बेटा का करेक्टर मैं कर रहा हूँ, तो दोनों का लगभग बराबर का ही करेक्टर है। इस करेक्टर को करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एक लड़के को अपने लाइफ में किससे किससे मतलब गुजरना पड़ता है, क्या क्या तानों से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ पे बेस्ड है। बहुत मेहनत करके और बहुत प्यार मोहब्बत से इस पिक्चर को बनाया गया है, तो मेरी अपील है सबसे कि आप सभी लोग जाएं और देखें इस मूवी को, प्यार दें। चुनौती भरा रहेगा घरों से ताकि तक के लोगों को लाना? हाँ, चुनौती भरा तो रहेगा सर, क्योंकि ये मेरी पहली मूवी है छत्तीसगढ़ की, चुनौती भरा है भी और खूब मेहनत भी की जा रही है, प्रमोशन भी अच्छे जोरों शोरों से हो रहा है और इंडिविजुअल पैमाने में अलग हो रहा है और एज अ टीम एज अ ग्रुप अलग हो रहा है। तो अब देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद हो, आप लोगों का प्यार हो, साथ हो, तो बहुत सक्सेसफुल होगी। शूटिंग में किस तरह का मजा आया? शूटिंग में सर बहुत ज़्यादा मजा आया, ये लगभग साल भर पुरानी मतलब शूट किया हुआ था हमारा, लास्ट फरवरी का शूट था। सारे कलाकार, मैं खुद जीत सर से पहली बार मिला, काफ़ी कलाकारों से मैं पहली बार मिला, रोहित सर से पहली बार मिला था, और सब हम लोग एक परिवार जैसे रहे, सब घुल मिल के बहुत स्मूथली बिना लड़ाई झगड़ा एकदम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सारी मतलब दुविधाएँ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़िया शूटिंग करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि राजनांदगांव में मैं अपने स्कूल लाइफ के 2 साल यहाँ पढ़ा हूँ, 11th और 12th, इंडियन पब्लिक स्कूल जो युगांतर के सामने है वहाँ पढ़ा हूँ, और इस मूवी में जिसने गीत दिया है तरुण सर और श्याम सर, वो मेरे म्यूज़िक टीचर रहे थे उस समय, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने स्कूल वाले मतलब बस्ती में खुद का मेरा प्रचार हो रहा है, मेरे दोस्त यार भी आ रहे हैं देखने करने और खूब प्यार मोहब्बत मिल रहा है सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं शक्ति सर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शीतल राम टेके है और मैं राजनांदगांव से ही हूँ, और मूवी में मेरा चरित्र अभिनय है, और मूवी में काम करके तो बहुत अच्छा लगा, सर लोग बहुत मतलब सपोर्टिव भी है, और घर जैसा ही माहौल था बढ़िया, और पिक्चर महिला प्रधान है और बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। महिला प्रधान पिक्चर है और महिलाएं इस फिल्म से दूरी बना रखी है, क्यों प्रचार प्रसार में कोई कमी है? प्रचार प्रसार तो बहुत शानदार हुआ है, पर अब पब्लिक आएगी, अब आज पहला डे है, शायद सेकेंड डे आए अच्छे से, तो हो सकता है कल से सब स्टार्ट करेंगे, और बहुत हमारे जितने भी परिचित हैं राजनांदगांव की पब्लिक है जो भी है, सब कल से परसों से संडे से कुछ नौकरी पेशा लोग हैं संडे से ही आएंगे। काम करे तो मज़ा आया, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और जैसे दिग्गज नेता अभिनेता के साथ काम किया, जीत दादा बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, बहुत सपोर्ट किए, कुछ नहीं बन पाता था तो बताते कि चंद्राज इसको थोड़े से इस प्रकार से बोलो डायलॉग को, ऐसा करो, मज़ा आया करके। और ये फिल्म जो पूरा नारी प्रधान है, महिला के ऊपर है, और मजा आ गया फिल्म देख के, और मेरा करेक्टर जो है विलेन का है, और कोशिश किया हूँ कि विलेन को अच्छे तरीके से निभा पाऊँ, और बस दर्शकों को प्यार चाहिए। चंद्रहास बघेल और मैं खैरागढ़ से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी ऑडियो वीडियो बनाता है, वहाँ पर मेरा सफर चालू हुआ क्योंकि कैसेट का ज़माना ख़त्म हो गया, और रोहित भाई जो डायरेक्टर हैं फिल्म, वो मेरे पास ये प्रपोज़ल लेके आए, कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने प्रयास किया कि चलो इसने भी एक बार बना के देखते हैं क्या करता है। और रहा सवाल पब्लिक लाने का, तो जितना प्रचार प्रसार अपने को करना है उतना कर रहे हैं, ये भाई अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं है ना सरुण भाई, इनका प्रयास पूरा चालू है, 11 जगह में पूरा यही देख रेख कर रहे हैं। अब पिक्चर तो ऐसा है, पब्लिक आ जाए, पिक्चर अगर पब्लिक यहाँ आई तो बिना रोए जाएगी नहीं, मार्मिक पिक्चर है एकदम, और अपन मिट्टी से जुड़ के इस कहानी को उठाए कि एक औरत को क्या क्या समस्याएँ आती हैं। अपना नाम राजेश मारू।